वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त सरफराज अंसारी। तो दोस्तों आज हम चलेंगे पोलो फॉरेस्ट और यहां से पोलो फॉरेस्ट की जर्नी होने वाली है 150 किलोमीटर की दूरी है और हम चलेंगे ये ऑटो रिक्शा हमारी है, हम ये ऑटो रिक्शा से चलेंगे। तो चलो अब चलते हैं 150 किलोमीटर की जर्नी पूरी करने इस रिक्शे से। और दोस्तों आज बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि मौसम जो है बहुत सुहाना है, बादल छाए हुए हैं और रास्ते में दुआ करो कि बारिश ना हो, नहीं तो हम लोग भीग जाएंगे। लेकिन हमने इंतजाम करके आए हैं, हमने एक रेनकोट भी लिया है और कपड़े भी लेके आए हैं। फिर भी चलो देखते हैं, अगर आगे बारिश नहीं होगी तो ज़्यादा इंजॉय होएगा, बारिश हो जाएगी तो कम इंजॉय होने वाला है। तो चलो रिक्शे में चलते हैं। हमारा भी तो दोस्तों हमारे लिए प्रकृति का साथ कितना ज़रूरी है, आपने देखा होगा जब हम प्रकृति के पास जाते हैं हमारा मन और आत्मा कैसे शांति और खुशी से भर जाती है। तो चलिए और आइए हम आपको ले चलते हैं उस अनोखे सफ़र पर जहां हम प्रकृति के साथ जुड़कर खुद को खो देंगे। भाई रास्ते में बारिश चालू हो गई है और ये देखो थोड़ा थोड़ा भीगना चालू हो गया हूँ मैं, और ये देखो लेकिन बहुत इंजॉय हो रहा है भाई, बहुत मजा आएगी आज तो। हम इंजॉय करेंगे और एंटरटेनमेंट करेंगे और आप लोगों को भी बताएंगे। इधर देखो दोस्तों, इस सफर में हमें ये फ्रूट के ठेले दिखे तो हम उतर के यहाँ पे कुछ आम लिए और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इस सफ़र में साइड में बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं जो कि हर सीज़न के हिसाब से बदलते रहता है। जैसे कि आम के सीज़न में आम रहता है और अमरूद के सीज़न में अमरूद, मकई के सीज़न में मकई, हर सीज़न के हिसाब से यहाँ चीज़ें मिलती हैं। तो दोस्तों अभी तक की जर्नी हमारी हुई है 71 किलोमीटर और हम यहाँ पे अभी थोड़ा चाय पीने के लिए रुक गए हैं और ये देखो पीछे होटल है, यहीं हम अभी थोड़ा सा नाश्ता भी करेंगे और चाय भी पियेंगे। चलो तो होटल में चलते हैं। क्या क्या है भैया, क्या क्या है यहाँ नाश्ते में? चाचा दाल वड़ा है और पटिया गोटा है, पटाका वड़ा है, पनीर दाबेली, पटाका वड़ा, पटाका वड़ा। अच्छा तो चलो हम लोग बैठते हैं नाश्ता करने। दोस्तों चाय पानी नाश्ता हो गया है, अब चलते हैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। चलो तो दोस्तों अभी तक की जर्नी 110 किलोमीटर की पूरी हुई और हम अभी पहुंचे हैं इधर और यहाँ का वातावरण देखो बहुत खूबसूरत है। अभी बारिश हल्की हल्की हो रही है तो चलो दिखाओ यहाँ का सीन। बस आ जाओ, चलो हो गया।
तो दोस्तों 150 किलोमीटर की जर्नी पूरी हुई और हम पहुंच गए पोलो फॉरेस्ट। अभी चलते हैं यहाँ पे और सब जगह घूमेंगे और अच्छी अच्छी सीन आपको दिखाएंगे। दोस्तों यहाँ छोटा सा तालाब है और पानी बह रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, दिखाता हूँ आपको अभी। ये देखो मेरे पीछे, ये देखो भाई वाला, वो दूसरा है जो दूसरा है। घूमने का ये देखो दोस्तों झरना, जाएंगे तो छोटा सा झरना है, क्या बोलिए, जाएंगे तो पता चलेगा ना कहाँ पे जाएंगे। दोस्तों पोलो फॉरेस्ट में जानवरों से सावधान रहना पड़ता है, जैसे कि अभी देखो हम देखते हैं यहाँ पे अजगर का बच्चा। ये देखो ये अभी तो बहुत छोटा है, लेकिन अगर कुछ टाइम बीतेगा जैसे एक साल दो साल तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ये देखो दोस्तों आप अगर नेचर प्रेमी हैं तो एक बार पोलो फॉरेस्ट जरूर आएं। यहाँ पे आपको शांति और सुकून का अनुभव मिलेगा, जो कि शहर के भाग दौड़ के जिंदगी में आप परेशान रहते हो, तो यहाँ एक बार जरूर आएं और यहाँ पे शांति और सुकून का अनुभव जरूर लें। चलो दोस्तों आज हम नाश्ता करेंगे मैगी का, यहाँ पे मैगी का नाश्ता मिलता है, हम मैगी पे ही ट्राई करते हैं, क्या करें यही मिल रहा है यहाँ पे। चलो तो दोस्तों नाश्ता अच्छा था, नाश्ता हम कर लिया, अब चलते हैं पोलो फॉरेस्ट डैम। डैम पहुंचने से पहले रास्ते में हमको ये झील दिखा, तो हम झील के पास रुक गए और थोड़ा व्यू लेने लगे, व्यू लेके फिर चलते हैं और आगे डैम के पास। भाई बहुत ऊपर चढ़ के अब पहुंचा हूँ डैम के पास, चलते देखते कैसा है डैम यार, अभी और ऊपर चढ़ना है। काफी अच्छा नजारा है यहाँ पे, ये रहा डैम, यहाँ की मेन झील यही है।
दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों हम वीडियो को करते हैं यहीं से एंड, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।